पर फिर स्वागत है। दुष्कर्म का विरोध करने पर पड़ोसी युवक ने ही कर दी किशोरी की हत्या। दो दिन पहले मक्का के खेत में एक दलित किशोरी के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के मांग को लेकर परिजनों द्वारा जीटी रोड जाम किए जाने के बाद हारकर में आई पुलिस ने बुधवार को एक हत्या आरोपी को गिरफ्तारी कर मामले की पटाक्षेप कर दिया। मामले का खुलासा बुधवार को एसपी ने पुलिस कार्यालय में किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के इमलियावापुर गाँव में निवासी भारतीय प्रकाश के 14 वर्षीय पुत्री रागिनी कक्षा 9 की छात्रा है। 13 मई को शाम खेतों में घास लेने गई थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। रात में रागिनी का शव गांव के बाहर मक्का के खेत में अस्त व्यस्त हालत में मिला। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काला बेलिया था जो कि उस परिवार के साथ ही मिला हुआ था, बिल्कुल पड़ोसी था। आदमी सोच नहीं सकता है कि इतना पड़ोसी भी इस तरह का घृणित कार्य कर सकता है, जबकि खुद ही शादीशुदा है और 2 लड़कियों का पिता है। उसके बावजूद इसने 14 साल की बच्ची के साथ जो काम किया है वो निंदनीय है और एक जघन्य अपराध है और इसको इसकी सजा अवश्य मिली। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।